हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि अपने मोबाइल से 4x6 की फ़ोटो प्रिंट कैसे करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सही सुन रहे हैं, 4x6 की फ़ोटो अपने मोबाइल से प्रिंट कैसे करना है, इसके बारे में मैं आज आप लोग को लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल से 4x6 की फ़ोटो निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसके बारे में आप लोग पूरा फुल डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी टाइप के वीडियो बनाऊं आप सब तक पहले पहुंचे। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग के पास वाईफाई प्रिंटर है तो आप लोग उससे अपना फ़ोटो 4x6 की फ़ोटो निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने प्रिंटर के पास लेके चलता हूँ और अपने मोबाइल से उस कुछ सेटिंग करके बताऊँगा कि आप लोग भी कैसे उस सेटिंग को करेंगे। सेटिंग करने के बाद आप लोग अपना फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोगों को दो ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर से आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको पहला ऐप है पासपोर्ट फोटो मेकर, जो कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पासपोर्ट फोटो मेकर, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसे पासपोर्ट फोटो मेकर से आप लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी बना के प्रिंट कर सकते हैं। उस पर एक मैंने वीडियो भी बना दिया है, जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स है बैकग्राउंड रिमूवर, इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा कंट्री का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम लोग इंडिया पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू दिखा रहा है उसका कि आप लोग ऐसा प्रीव्यू जो कि पीछे का बैकग्राउंड है वैसा रखना चाहते हैं तो वैसा भी रख सकते हैं। तो अगर चाहे तो आप लोग फ़ोटो जो कि मोबाइल से खींचे हैं वो भी यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, और चाहे तो एडिट करके भी जो भी एडिट करके रखे हैं वो भी इसको यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से अपना गैलरी ओपन कर लेता हूँ। गैलरी ओपन करने के बाद मैंने एक फ़ोटो जो कि मैंने एडिट करके रखा था उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा फ़ोटो शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे यहीं से भी आप लोग बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका PNG फ़ोटो है तो आप उसमें अपने हिसाब से बैकग्राउंड का कलर भी रख सकते हैं। तो मेरा फ़ोटो पहले से बना हुआ है, फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये फ़ोटो आ चुका है। यहाँ पे आप लोग 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि रिमूव बैकग्राउंड, एड एन आउटलाइन, सेव एज PNG, JPG, एड टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट भी आप लोग लिख सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबके सामने दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखने वाला हूँ। यहाँ पे आउटलाइन यानी बॉर्डर को भी यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, जैसा बॉर्डर चाहें, जिस कलर का बॉर्डर चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इतना बॉर्डर रख रहा हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करने के बाद इस फ़ोटो को मैं पहले सेव कर ले रहा हूँ। सेव हो जाने के बाद फ्रेंड्स फिर हम लोग क्या करेंगे, ये माई फ़ोटो को ओपन करेंगे। माई फ़ोटो को ओपन करने के बाद ये फ़ोटो फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रिंट मल्टीपल कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम लोग को साइज़ फिक्स करना है कि हम लोग किस साइज़ में फ़ोटो निकालने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 4x6 के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। 4x6 के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से हमको सेव कर यहाँ सेव फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ फिनिश पे क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने प्रिंटर के सेटिंग में चलेंगे। ये वीडियो फ्रेंड थोड़ा सा लंबा होगा, मगर इसको आप लोग बारीकी से समझें, पूरा वीडियो देखें। तो फ्रेंड चलिए मैं प्रिंटर के सेटिंग करके दिखा रहा हूँ आप सबको।
उसके बाद फ्रेंड्स आप किसी भी प्रिंटर से इस फोटो को प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहे जो भी प्रिंटर हो। मेरे पास कैनन 3010 का प्रिंटर है जो कि मैं उसका ऐप इंस्टॉल करके रखा हूँ। आप लोग के पास जो भी प्रिंटर है उसका ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो कि सेटिंग में बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप लोग प्रिंटर को ओपन ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो वाईफाई डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड जो भी मैंने फ़ोटो एडिट किया है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका फ़ोटो किस प्रकार से प्रिंट होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे जाके आप साइज़ भी यहाँ सेट कर सकते हैं, जो कि मैं 4x6 के फ़ोटो को निकालने वाला हूँ। तो यहाँ 4x6 का साइज़ चूज कर लिया हूँ। उसके बाद आप किस पेपर पर निकालना चाहते हैं, ग्लोसी फ़ोटो पेपर, तो मेरे पास ग्लोसी फ़ोटो पेपर है, मैं उसी पे प्रिंट करके दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कलर, यहाँ पे कलर निकालना है। यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है, तो मैं यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ जो कि मैं फ़ोटो निकालने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको कैमरा ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटर को ओपन कर दिया है। उसके बाद मैंने ये फ़ोटो यहाँ पे 4x6 के कटिंग करके यहाँ पे पेपर रख चुका हूँ। यहाँ पे पेपर रख दिया हूँ। पेपर रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रिंटर ओपन हो चुका है। उसके बाद हम लोग को सब सेटिंग हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट पे, केवल प्रिंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग का फ़ोटो प्रिंटिंग चालू हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग चालू हो चुका है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा प्रिंटिंग चालू हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से प्रिंट हो रहा है, पेपर अंदर चला गया है। और थोड़ा देर वेट करते हैं जब तक प्रिंट होता है। तो प्रिंटिंग कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो मेरा प्रिंट हो चुका है। और ये सारा प्रोसेस मैंने अपने मोबाइल से करके दिखाया है। तो फ्रेंड्स आप सब भी अपने मोबाइल से इस प्रकार की फ़ोटो निकाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आया है इसका। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी बताया, आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और साथ में कमेंट भी करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।